किंग बनना नहीं है, मुझे किंग मेकार बनना है, क्योंकि अभी वर्तमान जो किंग है वो बेकार है, और अभी जो किंग बनाने के लिए किंग मेकार है और किंग बनाना है, इसलिए अब उसकी बारी खत्म होगी, अब ये नौजवान की बारी आएगी। लेकिन नेताओं का भविष्य अंधकार नहीं, उज्ज्वल दिखाई दे रहा है। किसी तरह अगर वो चुने गए और आज 2.5 साल हो गया, तो 2.5 साल में सरकार नहीं भी रहेगी, डिजॉल्व भी हो जाएगा, तो उनको 5 साल का पूरा पेंशन मिल जाएगा, तो उनको टेंशन नहीं है, क्योंकि पेंशन है तो टेंशन नहीं है। टेंशन इन नौजवान को है। आप अगर कोई बोल देगा कि आदिवासी तो मुख्यमंत्री बने, फिर भी आदिवासी क्यों रोना रो रहा है कि आदिवासी इसीलिए जन्म लिया, मूलवासी जन्म लिया कि 50 साल तक लाठी गोली खाते रहे और बिना मांगे बिना लड़ाई लड़े राज बन गया। झारखंड वो राज है जहाँ खोदोगे वहीं खनिज है और जहाँ खोजोगे वहीं भ्रष्टाचार है। सूरज सिंह बेसरा जी हमारे साथ है, अपनी बुलंद आवाज और निर्भीक अपनी बात की वजह से जाने जाते हैं। दादा, आपने बड़े मंचों से ये कहा है कि आगे की जो राजनीति होगी युवाओं के हाथ में होगी, और आपने कई ऐसे युवाओं का लगातार आप नाम लेते रहते हैं। क्या लगता है अभी के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, राज्य चलाने के लायक नहीं है क्या? सब ये लोग नायक नहीं है, ना लायक है, बिकाव है। एक उदाहरण नहीं है, जो अभी सदस्यता चली गई, ऐसा कई लोगों का ऐसे अधिक धन संपत्ति, आपको मालूम होना चाहिए कि झारखंड हाईकोर्ट में 500 केसेस आए संपत्ति के मामले में, आज से। दूसरी बात, दल बदलू हैं यहाँ बहुत सारे चीज़ का, जो है ना, दल बदलू में संविधान के भाग 10वां में नियम है कि दल बदलू में सदस्यता रद्द हो जाएगा, तो यहाँ कोई कानून नहीं हो रहा है। माने यहाँ 22 वर्षों से 11 बार सरकार बनी, अगर पूरा जाँच किया जाए, जिस पर आँच हो तो जाँच हो। झारखंड वो राज है जहाँ खोदोगे वहीं खनिज है और जहाँ खोजोगे वहीं भ्रष्टाचार है। इसीलिए बिहार बोला जाता था कि भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है, और बिहार में भ्रष्टाचार का गंगा बहती है, झारखंड में भी भ्रष्टाचार का हवा बहेला। अच्छा। मतलब भोजपुरी में कहेला। तो एक तो हो गया भोजपुरी, पूर्ण रूप से हटाया नहीं गया, यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा है। झारखंड को आज 22 वर्षों में जो आइडल बना था, आदर्श बनाना था, मॉडल बनाना था, ये मॉडल नहीं बना, ये भ्रष्टाचार का मॉडल बना है। आप अगर कोई बोल देगा कि आदिवासी तो मुख्यमंत्री बने, फिर भी आदिवासी क्यों रोना रो रहा है कि आदिवासी इसीलिए जन्म लिया, मूलवासी जन्म लिया कि 50 साल तक लाठी गोली खाते रहे और बिना मांगे बिना लड़ाई लड़े राज बन गया। इंग्रेज वही बेसरा था, आपने अलग राज्य आंदोलन के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, फिर लगा कि झारखंड बनेगा तो कुछ अच्छा होगा, उसके बाद फिर से आप आंदोलन में हैं। 4 महीने से इधर भाषा और खतियान को लेके सड़क पर हैं, जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है खतियान को लेके, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा बहुत सारे अच्छे चीज़ों को अनुसरण करना पड़ता है। मैं भी 36 साल पहले जब विद्यार्थी थे, आज के नौजवान जो आया है नेतृत्व में आया, नेतृत्व नहीं, इनकी ना तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं, ना तो कोई राजनीतिक पार्टी के दामन थमा है, ये बिल्कुल वो नौजवान है जो उनका भविष्य जो है अंधकार दिखाई दे रहा है। JPSC अगर तैयारी करते हैं तो बिना रिश्वत का करोड़ रुपया एक JPSC BDO CO बनने में लगता है, ISIPS बनेंगे तो वो भी मुश्किल की बातें हैं। तो आज इनका भविष्य अंधकार में है, लेकिन नेताओं का भविष्य अंधकार नहीं, उज्ज्वल दिखाई दे रहा है। किसी तरह अगर वो चुने गए और आज 2.5 साल हो गया, तो 2.5 साल में सरकार नहीं भी रहेगी, डिजॉल्व भी हो जाएगा, तो उनको 5 साल का पूरा पेंशन मिल जाएगा, तो उनको टेंशन नहीं है, क्योंकि पेंशन है तो टेंशन नहीं है। टेंशन इन नौजवान को है, उनका जो है ना, अगर आगे जाएंगे तो संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, और पीछे अगर बैठ जाएंगे तो अंधकार दिखाई देगा। तो आज उनकी बारी, इसलिए मैं भी जब विधायक थे 1990 में, तो 324 MLA में लोग बिहार में बोलता था, अरे सबसे यंग आदमी है, आज मेरा बाल पक गया, उम्र भी हो गया, और अभी भी बहुत सारे उम्रदार आदमी MLA MP बनने के बाद सपना जरूर देखता होगा कि इस बार इस मौका मिल जाए तो दोबारा मैं
हमको लगता है उन लोगों को रिटायरमेंट समझना चाहिए, सेवानिवृत्त की तरह, जो एक बार भी चुनाव जीते, कम समय के लिए भी मौका मिला, कुछ नहीं कर पाया, विधायक के रूप में चाहे मंत्री के रूप में, उनको हम, मेरे व्यक्तिगत राय है, उनको दोबारा एमएलए एमपी बनने का झारखंड से मौका नहीं मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए युवा पीढ़ी को, यंग एनर्जेटिक, नया खून, नया जोश, नया होश। अगर ये आता है तो 1985 में असम में सरकार बनी थी, कुंवरों की सरकार, प्रफुल्ल महंतो एमएससी का स्टूडेंट चीफ मिनिस्टर थे, और होम मिनिस्टर भृगु फुकन, और जितने लड़कियां थी सब ग्रेजुएट लड़की थी, कुंवरों था, कोई ब्याह शादी नहीं था। तो हमको वो दिखाई दे रहा है इस खतियानी लड़ाई में, जो अग्रणी भूमिका निभा रहे नौजवान जो आया है, इनमें जो जोश दिखाई दे रहा है, इनको होश देना है, मार्गदर्शन देना है। और मैं पहले ही घोषणा किया हूँ, आज भी दोहरा रहा हूँ, कि मुझे किंग बनना नहीं है, मुझे किंग मेकार बनना है। क्योंकि अभी वर्तमान जो किंग है वो बेकार है, और अभी जो किंग बनाने के लिए किंग मेकार है, और किंग बनाना है, इसलिए अब उसकी बारी ख़त्म होगी, अब ये नौजवान की बारी आएगी। दादा, 4 महीने से आप किंग मेकर की भूमिका में हैं, क्या लग रहा है इस 4 महीने के आंदोलन को देख के, क्या लग रहा है, क्या युवा निकल पाएंगे अगर राजनीति के लिए अगले कदम में? मैं 74 में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट नहीं थे, हाई स्कूल के स्टूडेंट थे, 74 में जेपी आंदोलन, 77 में सत्ता परिवर्तन, 3 साल में 86 से लेके 89, 3 साल आजसू का आंदोलन में, ठीक जेपी आंदोलन 74 से 77, 3 साल में सत्ता परिवर्तन, और उसी तर्ज पर 86 से 89 आजसू का मेरे नेतृत्व में, 3 साल में पूरा इतिहास बदल। तो ये जो अभी 2-4 महीना से आंदोलन चल रहा है, हमको लगता है ये कुछ दिन के अंदर में ये धीरे धीरे इसका रूप, इसका प्रारूप तैयार हो जाएगा, आंदोलन का रूप बदलता हुआ दिखाई देगा, रणनीति में प्रारूप तैयार हो जाएगा, नीति निर्धारण होगा। क्योंकि हम लोग नौजवान तो बोल रहा है, आंदोलन तो बोल रहा है कि भोजपुरी भाषा नहीं चलतो, झारखंडी भाषा चलतो, तो झारखंडी भाषा का नौ भाषा विभाग का बगल में है, उसका जरो जरो बसता है, मोरो मोरो बसता है ना, उसका विभाग, उनकी भाषा मोरो मोरो बसता है, और दीवाल जरो जरो अवस्था में है। बेशरा जी, आपने एलएलबी की हुई है, विधायक रहे हैं, और संविधान के तर्कों से अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन संविधान तो ये कहता है कि हर भाषा का सम्मान करना चाहिए, फिर भोजपुरी मगही का आप लोग क्यों पीछे पड़े हैं ऐसे? ऐसा है, सम्मान अपने मातृभूमि में मातृभाषा बहुत बड़ी बात है। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर से बहुत हम प्रेरित है, मैं बांग्ला भी बोल लेता हूँ, लिख लेता हूँ, समझ लेता हूँ, और कहा जाता है मातृभाषा मातृ दुग्ध समान है, मातृभाषा मातृ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपी गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपी गरीयसी, जननी जन्म माता और मातृभूमि ये स्वर्ग सुख से भी महान है। तो आज जन्मभूमि हम लोगों का, झारखंडियों का जन्मभूमि मातृभूमि है, और इस मातृभूमि में मातृभाषा नहीं है, इसे दुख और क्या हो सकता है। जबकि संविधान का हवाला देता हूँ कि सबको जो है ना, संविधान के अनुच्छेद 350 क में है, उसमें इंग्लिश में लिखा गया, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल कंपलसरी, मतलब यही नियम पूरे देश के 29 राज्यों में लागू है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गिने चुने राज्यों में हिंदी प्रदेश है, और बाकी बंगाल में बंगला, KG-2 PG, पेपर, अखबार, टेलीविज़न, सारा चीज़, बोली, भाषा, लिखा पढ़ी, टोटल, उसको बोलता है स्टेट, बंगाली का अपना पहचान बंगाली और बांग्ला, उड़ीसा में उड़िया और उड़िया भाषा, गुजरात में गुजराती भाषा गुजराती, तो झारखंड में झारखंडी झारखंडी भाषा का बड़ा विडम्बना है। तो बहुत दर्द तो है, वेदना तो है, कथा तो है, व्यथा तो है, और वही अभिव्यक्ति जब आता है तो वहीं से उस विचारधारा बनता है, और विचारधारा से क्रांति होती है, बदलाव होता है। हम जो दिख रहे हैं कि युवा पीढ़ी जो आया है, इसको गाइड करने की ज़रूरत है। आज जितने नेता आए हैं, हम लोग देखे समीक्षा बैठक, बहुत सारे नेता आज भी जिनको आना था, अग्रणी भूमिका निभाया, वो कहीं रैली में भी जी हैं आज भी, आज सभा में संबोधन कर रहा है, गरज रहा है। लेकिन हम ये समझते हैं कि 24 जिला में एकताबद्ध होके एक बड़ा बैनर बने, बड़ा बैनर ने हम लोग प्रस्ताव दे दिया कि
कि झारखंड समन्वय समिति का विगत दिनों ने निर्णय लिया, छोटे मोटे जो संगठन है आदिवासी जन परिषद खतियानी लाने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। और ये आज का समीक्षा करना है कि एक महीना का सत्र में सदन में कुछ परिणाम नहीं निकला और नियत नीति सरकार स्पष्ट कर दिया कि ना बनतो ना चलतो है, ये जो आवाज़ ना चलतो झारखंडी का ना चलतो, भाषा भी ना बनतो और खतियान नीति भी ना बनतो, तो अल्टीमेटली आज निर्णय लेने की जरूरत है। टॉप निर्णायक आंदोलन की ओर जाने का है, जैसे एक निर्णय के होगा कि सरकार को बाध्य करना पड़ेगा। और भी देश के अंदर में बहुत सारे आंदोलन ने सरकार को बदल दिया है, आंदोलन ने देश का कानून बदल दिया है। आज आर पार की लड़ाई जरूरत होगा कि वर्तमान 2.5 साल की सरकार को उखाड़ के फेंकने का संकल्प लेने की है और बदलाव है कि जिंदा कौम 5 साल तक इंतजार नहीं करता, 2.5 साल हो गया और 2.5 साल इंतजार नहीं करेंगे। आर पार की लड़ाई में सरकार चाहे चले जाए, इस सरकार को खोआ करना है, इस सरकार को बर्खास्त करना है, इस सरकार को दरखास्त नहीं करना है, इस सरकार को अब दरखास्त नहीं करना है, इस सरकार को बर्खास्त करना है। तो क्या अगली रणनीति सरकार को पूरा हटा ही देना है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, चूँकि ये सरकार वो लायक नहीं है, नालायक है। चूँकि आज एक बात देख लीजिए, कुछ कानून ऐसा है जो विधानसभा में नहीं बनना है। विधानसभा में फॉरेस्ट राइट एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में जो बना है, ये झारखंड स्टेट में नहीं बनेगा, वो सेंट्रल का एक्ट लागू करना है, वो लागू नहीं किया। दूसरी बात है, 8 शेड्यूल में संताली भाषा 2003 में पारित हो चुका है, ये संताली भाषा को यहाँ कानून नहीं बनाना, विधेयक नहीं लाना, वो पार्लियामेंट से पास हो गया है, तो वो यहाँ लागू नहीं है। दूसरा चीज़ है कि 73 अमेंडमेंट है संविधान के भाग 9 में पंचायत की व्यवस्था है और वहाँ ग्राम सभा उल्लेखित है। संविधान का 73वां संशोधन करके लोकसभा में 96 में द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996 देश के 10 राज्यों में लागू है। लेकिन आज 96 से पेशा कानून ग्राम हमारे गांव में हमारे राज ग्राम सभा को सशक्तिकरण देना था, ग्राम गणराज्य का महात्मा गांधी का परिकल्पना था, आज 96 से यानी 22 वर्षों से आज ग्राम सभा का अधिकार नहीं, यह कानून बनाना नहीं है, बना हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें लागू, लेकिन ये तो समझता ही नहीं है कानून क्या है, ये कानून का राज नहीं है, ये इस पर अंकुश कौन लगाएगा, निरंकुश सरकार है, तानाशाही सरकार है। और ऐसे तानाशाही सरकार देश और दुनिया से जनता ने उखाड़ फेंका है और आज ये निर्णय सब मिलके लेना पड़ेगा, सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक चिंतन और सामूहिक निर्णय के साथ आगे चलना होगा। आज जितने भी संगठन हैं, झारखंड समन्वय समिति, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, उनको छत्र छाया में छोटे छोटे संगठन घटक दलों को एकजुट करना है और 24 जिला का रोड मैप बनाना होगा और एक एक जिला में सब सामूहिक रूप से सबकी उपस्थिति की जनसभा होगा, सेंट्रल कमेटी बनेगी, जिला कमेटी बनेगी, ब्लॉक कमेटी बनेगी, पंचायत कमेटी बनेगी, ग्राम सभा कमेटी बनेगी और ये काम 1-2 महीना के अंदर में करेंगे और आने वाला दिन में इसको रणनीति ऐसा बनेगा कि जनता को, जो चुने गए जनता को राइट टू रिकॉल कि प्रतिनिधि को आपस बुलाने का जनता को अधिकार होगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्यक्रम रूपरेखा तैयार करना होगा। हमारा आखिरी सवाल वेशरा जी, आपकी बेबाकता के लिए सारे पूरा स्टेट आपको जानता है, लेकिन कई बार ये आरोप लगते हैं कि बेसरा जी मंत्रियों को खूब गाली देते हैं, हेमंत सोरेन को खूब डांटते हैं, गाली देते हैं, क्या कहेंगे इस आरोप पे? हमको लगता है कि इन लोगों को भाषण देते हैं उल्टा पुल्टा तो इन लोगों को ताली अच्छा लगता है और जब उल्टा पुल्टा बोलता है इन लोगों को गाली अच्छा नहीं लगता है। अच्छा। तो सुर सिंह बेसरा का बोली उनको गाली लगता है और लिख लोड़ा पड़ पत्थर संविधान का बिना ज्ञान अनकाई भांज के एमएलए बनता है तो जनता को ताली जो है अच्छा लगता है। अच्छा। तो मैं सबक सीखता हूँ, चुनौती नहीं देता हूँ, मेरा एक अनुभव है संविधान में अनुच्छेद 1 से लेके 349 अनुच्छेद है, अमेंडमेंट भी हुआ है, 100 से ज़्यादा जो अमेंडमेंट हो गया है। अभी संविधान का जानकार होना चाहिए, अगर नेता बनोगे तो फैक्ट ही नहीं जानो, एक्ट जानना होगा, विधि विधान जाना होगा, संविधान जाना होगा। इन विधायकों को किसी ने ध्यान दिया? संविधान में लिखा हुआ है कि सदन में
सदन में या तो इंग्लिश में चलता है राज कामकाज का भाषा या हिंदी में, उसके अलावा कोई क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में अगर निर्वाचित विधायक सदन में बोलना चाहेगा तो स्पीकर उनको इजाज़त देगा कि संथाली में बोलिए, कोठा में बोलिए, पंच परगना में बोलिए, कोई उदाहरण पेश नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ी सीख, बेसरा बोल रहा है तो गाली लगता है, और बेसरा बोलता संविधान पढ़ो, संविधान पढ़ के बात करो ना, कि आज तक कोई भी माननीय विधायक लोग संविधान के आर्टिकल 210 का अध्ययन नहीं किया, संविधान जाना ही नहीं, संविधान माना नहीं।